किसी का घर तो नहीं है। ओए हेरोब्राइन, ओए हेरोब्राइन ये क्या हो गया? कौन है ये? है कौन? कौन है भाई? भाई जैसे ही कहती थी सीरीज स्टार्ट होने वाली जो एकदम सेम टू सेम हिमलैंड की तरह होने वाली थी इस पूरी सीरीज को पूरा दिन। तो डे वन हुआ और मैं स्टार्टिंग में अपना वुड का टूल बनाया और माइनिंग वगैरह करके मैंने अपना आयरन वगैरह खोल एंड मैंने आयरन का टूल वगैरह बना के रेडी कर लिया। तो मैंने पिकैक्स बनाई, स्वॉर्ड बनाई और उसी के साथ निकल पड़ा। ठीक है। फिर मैंने एक जगह फाइनल की अपना घर बनाने के लिए, तो और वहाँ मैंने अपना एक घर बना लिया। काफ़ी अच्छा घर बना, काफ़ी बड़ा घर बना और काफ़ी सिक्योर घर बना है। तो घर के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, तो इसलिए ये सोचते हुए मैं निकल गया वुड वगैरह माइन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास वुड की कमी हो रही थी। एंड मैं हम चलते हैं वुड माइन करने गए। एंड ये क्या है भाई सामने मुझे पेड़ दिखे हैं वो भी बिना लिप के, यानी हेरोब्राइन का साइन है। मेरे न्यू वर्ल्ड में आते ही हेरोब्राइन का साया, ये क्या है भाई? और उनके ऊपर कार्व्ड पंपकिन है, वो भी जैको लैंटन है। कार्व्ड पंपकिन नहीं कहेंगे ने, ये जैको लैंटन है। तो यहाँ जैको लैंटन वगैरह मिले हैं एंड मैं यहाँ से वापस भाग रहा हूँ। तो गाइस देखो रात में भाग आया था एंड यहाँ सो के सुबह हो चुकी है और रात में मेरी फट रही थी इसलिए मैं नहीं गया। तो अभी चलते हैं, ये हार्डकोर वर्ल्ड है। मैं अगर एक बार मर गया तो फिर ख़त्म। और मरी के बाद इसमें हेरोब्राइन भी है। अभी इन मॉब्स को मारते हैं एंड चलते हैं आगे। इसके नीचे माइन करते हैं, डायमंड जल्दी मिलेंगे। मुझे एक बाबा जी ने ऐसा कहा है, जिन बाबा का नाम है उच्च कोटि बिना छोटी त्रिकालदर्शी बाबा। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा गेमिंग से इनवाइटेड है। और नीचे की तरफ माइनिंग करते चलते हैं। एंड ओ भाई क्लच था इस क्लच के लिए गाइस, एक लाइक तो बनता है। एकदम से जोश आ गया भाई, मैं डर गया था ये क्या हो गया। मैंने तो तुक्के में क्लिक किया, तोड़ रहा था। अच्छा बकेट रखी हुई थी, केस कैसी है पता नहीं। और चलते हैं इसको एक्सप्लोर करें क्या, आगे चल के देखते हैं ये केव है किसकी। और ये किसी का घर तो नहीं है। ओए हेरोब्राइन, ओए हेरोब्राइन ये क्या हो गया? मेरी स्क्रीन क्यों ब्लैक पड़ गई, वापस से खुल गई? बहुत स्क्रीन डार्क हो गई थी एकदम से। एंड मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ऊपर हेरोब्राइन है। एंड जल्दी भाग भाई बाहर, उठा उठा पानी उठा, ब्लॉक कर देते हैं। ऊपर भाग भाई, घर में भागो, ब्लॉक वगैरह करने भी फायदा नहीं क्या भाई? भाग लो यहाँ से, यहाँ भी है हेरोब्राइन। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा भाई? तू छोड़ दे, मैं गई अपने घर से काफ़ी दूर आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ हेरोब्राइन का साया हो सकता है। क्योंकि देखो घर के नीचे हेरोब्राइन मिला तो अंदर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। भाग रहा हूँ इसीलिए। एंड देखो ये सीरीज अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। एंड ये कौन है? ये है कौन? कौन है भाई? मैं चुपचाप देख रहा हूँ इसको, कोई एंटिटी टाइप में लग रही है मुझे। इसको मारें क्या? छुप छुप के देखते हैं ये है क्या। मैं दूसरी साइड से होके निकल लेता हूँ, देख तो नहीं रही नहीं। एंड ये है कौन भाई? कौन है रे तू भाई? कौन है? पास खेलने का थोड़ा ट्राई करते हैं, देखते हैं। वो ये मुझे ही देख रहा है। मैं अभी गाइस पता नहीं वो कौन था, मैं वहाँ से भाग आया हूँ एंड इस साइड के लिए। और ये क्या भाई, मैं उधर से घूम के आया, इधर ही घूम के भाई मैं गलत रास्ता आ गया, पूरा उधर घूम के आया, बाद में पता चला मैं घर के सामने आया। शेट भागो यार, बारिश भी शुरू हो गई एंड कैसा अजीब सा डार्क सा मौसम हो गया एकदम से। एंड अननोन और 303 व्हाट, ये एंटिटी 303 और अननोन मेरे वर्ल्ड में पता नहीं क्या कर रहे हैं।